हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता स्वीट होम। मैं हूं श्वेता और फ्रेंड्स आज मैं एक ऐसा डीआईवाई लेके आई हूं जो बहुत सारे प्रॉब्लम को दूर करता है रिलेटेड टू स्किन। तो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं कॉफी मास्क जो कॉफी से बनेगा। तो फ्रेंड्स इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। ये अपने स्किन को देता है बहुत ही ज्यादा शाइनिंग टेक्सचर, रिमूव करता है सारे डलनेस, टैनिंग, एक्ने और जो फाइन लाइन्स हो जाते हैं उसे रिड्यूस करता है, रिज्यूविनेट करता है अपने स्किन को। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। तो चलिए फ्रेंड्स इसे बनाना शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप नए हैं मेरे चैनल को तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें लगेगा जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है कॉफी पाउडर 1 टेबलस्पून के बराबर, साथ में 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है हनी। तो हनी में बहुत सारे प्रॉपर्टीज है जो आपके स्किन को बहुत सारे बेनिफिट्स पहुंचाता है। और साथ में हम ऐड करेंगे इसमें दही अराउंड 1 टीस्पून के बराबर। और मैं इसमें ऐड करूंगी पिंच ऑफ हल्दी, तो ये ऑप्शनल है अगर आपके पास हल्दी नहीं है, कस्तूरी हल्दी है अगर आपके पास जो स्किन में लगाते हैं उसे ऐड कीजिए, या किचन वाली हल्दी है उसे अराउंड 1 टीस्पून के बराबर। अगर नहीं डालना चाहते हैं तो ये ऑप्शनल है, बट इससे बहुत अच्छा ग्लो आता है। ये पूरे इंग्रेडिएंट्स मिलके आपके स्किन को बहुत ज़्यादा शाइनिंग टेक्सचर देता है। तो इसे हम अच्छे से स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये पूरी क्वांटिटी प्रॉपर है, अगर आपको लगे कि ये ड्राई हो रहा है, बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बनना चाहिए, तो अगर आपको लगता है ये ड्राई हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा दही और ऐड कर सकते हैं। बट आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बन गया है ये। अब हम इसे अप्लाई करेंगे, पहले अपने फेस को पोंछ लेंगे। तो अब हम इस कॉफ़ी फेस मास्क को यूज़ करेंगे अपने फेस पे एक्सेप्ट आइज़ के, तो आइज़ पे हमें इसे नहीं लगाना है। और फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा वैसे पैक रहता है, अगर आप दूध के साथ कॉफ़ी पाउडर को मिक्स करके पफ़ीनेस वो अगर आपके आइज़ के पास लगाए तो ये बहुत अच्छा डार्क सर्कल रिमूव करता है, साथ में पफ़ीनेस जो है आइज़ की उसको भी रिमूव करता है। तो कॉफ़ी में अभी हमने जो इन्ग्रीडियंट्स डाले हैं इस वजह से हम एक्सेप्ट आइज़ के सारे फेस पर लगाएंगे। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमने यूज़ किया है मेन इंग्रेडिएंट्स कॉफ़ी, ये बहुत ही अच्छा होता है स्किन के लिए, फाइन लाइंस को रिड्यूस करता है, जिनके ब्लेमिशेस है टैनिंग है उसको रिमूव करता है, स्किन में देता है इंस्टेंट ग्लो और शाइनिंग और रेडिएंट इफेक्ट। और फ्रेंड्स जिनके भी ब्लेमिशेस है एंड ब्लैक हेड्स है उसको रिमूव करता है। और साथ में जो एक्नी होता है वो भी इसे लगा सकते हैं, जिनको एक्नी का प्रॉब्लम है ये रिड्यूस करता है एक्नी को और स्किन में देता है एक फ्लॉलेस लुक। और फ्रेंड्स साथ में हमने इसमें ऐड किया है हनी, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है इसमें और ये मॉइस्चराइज करेगा अपने स्किन को। और साथ में जो दही है वो अपने स्किन को देगा एक इंस्टेंट ग्लो कॉफ़ी के साथ मिक्स होकर। तो कॉफ़ी के साथ जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने लिया है वो सारे ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स पहुंचाएंगे स्किन को। साथ में जो हमने लिया है हल्दी वो हमारे जो भी स्कार्स होते हैं और जो दाग धब्बे होते हैं स्किन में, स्पॉट्स वगैरह, वो सारे को हल्का करता है, रिमूव करता है और स्किन को बहुत ही अच्छा शाइनिंग इफेक्ट देता है। हल्दी में एज यू नो कि प्रॉपर्टीज़ जो भी होते हैं स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स पहुँचाते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें अप्लाई करना है नेक और फेस में पूरा, तो बहुत अच्छा इंस्टेंट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसे लगाना है एटलीस्ट वीक में 3 बार, हफ्ते में 3, मतलब 3 बार अगर आप इसे अप्लाई करेंगे, स्पेशली अगर आप इसे नाइट में अप्लाई करेंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अगर डे में अप्लाई करते हैं तो लगाने के बाद इससे 2 घंटे बाद आप फेस को सोप लगा सकते हैं, उससे पहले नहीं। तो फ्रेंड्स मैंने अच्छे से लगा लिया बिल्कुल, और इसे अराउंड 15 to 20 मिनट्स हम इसे ऐसे ही रहने देंगे मास्क को। तो फ्रेंड्स आफ्टर 20 मिनट्स इसे हम इस तरह से कॉटन में पानी को डिप करके मसाज देंगे 5 मिनट्स के लिए। तो फ्रेंड्स ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसे ज़रूर कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा शाइनिंग टेक्सचर आएगा आपके स्किन में। तो मैंने नॉर्मल वाटर लिया है और उसमें कॉटन को डिप करते हुए पूरे फेस पे अप्लाई करना है, हल्के हाथों से मसाज करना है राउंड मोशन में।
तो फ्रेंड्स बिल्कुल जेंटली हाथों से करना है और इस तरह से मसाज देते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो स्किन में ऑब्वियसली एक ग्लोइंग आता है इफ़ेक्ट। तो पूरे फेस पे हमें हल्के हाथों से बिल्कुल मसाज करते जाना है और फाइनली फिर हम इसे वॉश कर लेंगे नॉर्मल वाटर से। तो फ्रेंड्स मैंने फेस वॉश कर लिया है नॉर्मल वाटर से, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा एक इंस्टेंट सा ग्लो आता है, चेहरे में शाइनिंग टेक्सचर होता है और फ्लॉलेस लुक देता है बिल्कुल। तो ये इंस्टेंट रिजल्ट के लिए आप कॉफ़ी मास्क ज़रूर अप्लाई कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा है और ये ऑल स्किन टाइप के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसे आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और अगर आपको कहीं पार्टी वगैरह में जाना है तो आप इसे यूज़ कीजिए 2 घंटे पहले और बाद में आप सोप से मुंह धो सकते हैं। तो फ्रेंड्स लास्टली मैंने अप्लाई किया है रोज वाटर। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इंस्टेंट ग्लो और चेहरा बिल्कुल शाइनिंग हो जाता है, बिल्कुल स्मूथ एकदम। तो फ्रेंड्स इसे जरूर अप्लाई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। और फ्रेंड्स जो लास्ट स्टेप मैंने बताया है कॉटन से 5 मिनट्स के लिए मसाज करना है नॉर्मल वाटर से, तो उसे जरूर फॉलो कीजिएगा जिससे और भी ज्यादा आपका टेक्स्चर स्मूथ एंड शाइनिंग होता है स्किन का। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड बाय।